वेलकम, मैं हूँ साक्षी और आप देख रहे हैं टुडेज, जहाँ होता है एंटरटेनमेंट की दुनिया से डायरेक्ट कनेक्शन। यंग रेबल स्टार जो मुंबई में उमरावत के निर्देशन में बनी फिल्म आदि पुरुष की शूटिंग कर रहे थे, अपने अगले राधे श्याम के कुछ दृश्यों को फिर से शुरू करने के लिए हैदराबाद वापस आ गए हैं। राधे श्याम जिसमें पूजा हेगड़े प्रमुख महिला है, 30 जुलाई को एक नाटकीय रिलीज के लिए निर्धारित है। बता दें कि मुख्य जोड़ी के अलावा फिल्म राधे श्याम में भाग्यश्री, सचिन खरेरकर, प्रियदर्शी पुलिकोंडा, मुरली शर्मा, कुणाल रॉय कपूर, रिद्धि कुमार, शाशा छेत्री और सत्यन भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं। प्रभास राधे श्याम के सेट पर शामिल हुए हैं और मेकर्स इसे फिनाले शेड्यूल में निर्णायक दृश्य कर रहे हैं। बता दें कि राधे श्याम की टीम ने एक विशाल सेट बनाया है। राधे श्याम का चल रहा कार्यक्रम काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि टीम को बाहुबली स्टार प्रभास की जिद पर कुछ महत्वपूर्ण दृश्यों को पुनः प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है। जाहिर तौर पर प्रभास ने इस महीने की शुरुआत में फिल्म का संपादित संस्करण देखा और चूंकि वह कुछ दृश्यों से खुश नहीं थे, इसीलिए निर्माताओं ने इसे फिर से शुरू करने के लिए कहा। बता दें कि पूजा हेगड़े राधा कृष्ण कुमार के निर्देशन में बनी फिल्म राधे श्याम में एक मेडो का किरदार निभा रही है, जिसे गोपी कृष्ण मूवीज और यूवी क्रिएशन के बैनर द्वारा संयुक्त रूप से समर्थित किया गया है। यह एक बड़े बजट की अखिल भारतीय फिल्म है जो 30 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग फॉर मोर एंटरटेनमेंट न्यूज़ एंड अपडेट।